सागर नाले का जो रोड बेंडिंग का काम था, ये पिछले चार महीने से जीएचएमसी वाले, क्योंकि जब भी बारिश आती एरिए के अंदर काफ़ी पानी घुस जाता, नाले की विर्थ कम रहने की तरफ से जीएचएमसी वालों ने सर्वे करके नाले की विर्थ बढ़ाने के लिए यहाँ पे, जिसमें 16 मकान मुतासिर हो रहे थे, ये 16 मकान के लिए उन लोग आए और उसके अंदर 2.8 मीटर विर्थ लेना बल्कि डिसाइड किए। उन लोगों से कई मीटिंग हुए, बातचीत हुई, उसके बाद में उन लोगों का चेक रेडी हुआ। रेडी होने के बाद ये लोग रमज़ान में ये करना चाहते थे, मगर मैंने कहा कि रमज़ान है, करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सिलसिला चल रहा था, जिसके अंदर कुछ लोग चेक लिए, कुछ लोग विलिंगली दे दिए थे, तो उनके ही घर इमीडिएट निकालना बोल के ये डिसाइड हुआ था, जिसके लिए आज उन लोग जीएचएमसी वाले पुलिस बंदोबस्त के साथ यहाँ पे आए हैं। तो मगर क्या है, कुछ घरों के अंदर सामान वैसी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस को भी कहना चाहता हूँ और जीएचएमसी को भी कहना चाहता हूँ कि सब तमाम हैदराबाद के जहाँ जहाँ पे भी पानी घुस रहा, जहाँ पे अफजल सागर नाला आता है, हम लोग कोऑपरेट करने को तैयार है, मगर हमारा सामान आप निकाल के बाहर फेंक देंगे तो सामान पूरा वेस्ट हो जाता, टूट जाता, बुड़ जाता, जिसके लिए ख़ासतौर से नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे यहाँ पर भिजाया है, इसीलिए कि जाइए, जाके देखिए। तो यहाँ पे जिम्मेदार जो जो लोग हैं हमारे पाशा भाई साहब और भी दूसरे लोग हैं, उनके साथ में बातचीत हुई, अभी उनके साथ में बैठ के इमिकेबल जो बेहतर होता है पब्लिक की सहूलत के लिए वो काम किया जाएगा और बिल्कुल किसी को तकलीफ नहीं होगी, उस तरीके से मेरा इंस्ट्रक्शन है। और इंशाल्लाह ताला कोई भी परेशानी आएंगी तो मैं एरिया में जो इमीडिएट में दोबारा सब मार्किंग डायमंड नहीं, नहीं, नहीं। लोगों को चेक्स नहीं मिलने की भी शिकायत यहाँ से आई। सुनिए आप, चेक्स तो पूरों के बने हुए हैं, कुछ लोग लिए चेक्स, कुछ लोग नहीं लिए। जो चेक्स लिए हैं उनका तोड़ा जाएगा, जो चेक्स नहीं लिए फिलहाल नहीं तोड़ते, मगर उसके बाद में उनको भी एक बल्दिया का कानून है, वो कानून के हिसाब से उनको भी निकालते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आवाम की तकलीफ आती ना उसके ऊपर है, तो इसके लिए वो होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी है इमिकेबल आपस में बैठ के तय कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला किसी को तकलीफ आए बगैर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।